नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नरेंद्र मोदी की शख्सियत में दुनिया एक ऐसे ग्लोबल लीडर की छवि देख रही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा ताकतवर है। ब्रिटिश हेराल्ड के सर्वे के मुताबिक मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। मोदी सबसे आगे, पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग पीछे। ये कहानी है दुनिया के क्षितिज पर छा जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिसने हिंदुस्तान को महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। ये कहानी है दुनिया की महाशक्तियों के दिग्गजों को पछाड़कर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का सम्मान पाने की। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत में दुनिया एक ऐसे ग्लोबल लीडर की छवि देख रही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत ने ये प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे नेता के तौर पर उभरे हैं। ब्रिटिश हेराल्ड के सर्वे के मुताबिक मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। मोदी पर इंटरनेशनल भरोसे का सॉलिड टेस्ट। मोदी सबसे आगे, पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग पीछे। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मंच पर भारत का एक ऐसा विजन पेश किया जो दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा। मोदी ने जो कहा और जो सॉलिड सबूत पेश किए, उसका लोहा दुनिया मान रही है। मोदी की इस कहानी का ट्रेलर मशहूर विदेशी पत्रिका ब्रिटिश हेराल्ड का सर्वे सुना रहा है, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। और अब इस सर्वे की इनसाइड स्टोरी को समझिए। मशहूर पत्रिका ब्रिटिश हेराल्ड ने एक पोल करवाया। 2019 के सबसे ताकतवर शख्स पर सर्वे किया गया। दुनिया भर से 30 लाख से ज्यादा लोगों ने राय रखी। लिस्ट में दुनिया की 25 दिग्गज हस्तियां शामिल थी। आखिरी राउंड में दुनिया की 4 हस्तियां पहुंची। वोटिंग परसेंट के हिसाब से विजेता बने नरेंद्र मोदी। मोदी ने किसे किसे पछाड़ा ये भी देखिए। पहले पायदान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर व्लादिमीर पुतिन, तीसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप और चौथे पर शी जिनपिंग। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुनिया भर में लोगों ने दिल खोलकर वोटिंग की। मोदी के पक्ष में इतनी वोटिंग हुई कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चारों खाने चित हो गए। देखिए किसको कितने वोट मिले। नरेंद्र मोदी को 31% लोगों ने दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बताया। व्लादिमीर पुतिन को 29% वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप को 22% और शी जिनपिंग को सिर्फ 18%। कई अंतरराष्ट्रीय मैगजीन वक्त वक्त पर लोगों का ओपिनियन जानने के लिए सर्वे करती रहती है, जो अपने मुल्क और इंसानियत के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से नहीं कतराता। यही तो है सबसे ताकतवर इंसान की पहचान। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब व्हाइट हाउस में मेहमान मोदी की मेजबानी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। दुनिया के साथ नरेंद्र मोदी की कदमताल गजब की है। वो जहां गए सबको अपना मुरीद बना लिया। मोदी को ब्रिटिश हेराल्ड के सर्वे में सबसे ताकतवर इंसान चुनने के पीछे उनके चौंका देने वाले बड़े और कड़े फैसले भी हैं, जिससे करोड़ों गरीब हिंदुस्तानियों को फायदा हुआ। पूरी दुनिया मोदी के स्वच्छ भारत की ताकत देख रही है। पूरी दुनिया ने ब्लैक मनी पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक देखी। दुनिया ने जीएसटी के तौर पर सबसे बड़ा कर सुधार देखा। और अगर ये आज मुमकिन है तो उसके पीछे मोदी है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम है क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।